पे देखो मैं सबको रेडी करके रख दिया सब कुछ। और बांग्लादेशी नूडल्स के लिए ना बहुत सारी चीज, ये वाला नूडल्स मैं पहली बार बना रही हूँ, ये है बालाजी का। और ये नूडल्स का जो मसाला आता है ना, एक कैसा लगता है? अच्छा, एक ये स्ट्रॉबेरी है ना, वेरी यम्मी है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं अभी बनाऊंगी बांग्लादेशी नूडल्स। और जो रिवर फ्रंट में भैया लोग आया ना बांग्लादेश से, लास्ट डे है आज, चली जाएगा, तीन लोग चली जाएगा, तीन लोग रहने वाले। तो क्या है ना, मैं बोला थोड़ा नूडल्स बना के लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं सबको रेडी करके रख दिया सब कुछ। और बांग्लादेशी नूडल्स के लिए ना बहुत सारी चीज आपको रेडी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जैसे मैगी को लोग पानी में डाल के मसाला डाल के बना लेते, तो ऐसे नहीं बनाते बांग्लादेश में लोग। तो यहाँ पे मैंने कैरेट को काट के रख दिया, देख सकते हो, वॉश करके रख दिया मैंने कैरेट को। और क्या ना, इसके अंदर आलू डालते, तो मैं आलू को नहीं डालूंगी। आलू डालने से क्या ना, टेस्ट थोड़ा सा मुझे अलग सा लगता है, और आलू से टेस्ट अच्छा भी होता है, पर आलू मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं मुझे आलू इतना पसंद नहीं आते, जिसकी वजह से आलू मैंने स्किप कर दिया। कॉलीफ्लावर भी डालने वाला, कॉलीफ्लावर भी काट दिया, वॉश करके रख दिया। टोमेटो, धनिया पत्ता, ग्रीन चिली, ऑनियन, यहाँ पे फोर एग्स है। और इसके अंदर चिकन को भी क्यूब कर करके डाल सकते हो, चिकन का पीसेस, बट चिकन घर पे है नहीं, तो मैं बस इसीलिए चिकन का बगड़ा बना रही हूँ, वेजिटेबल नूडल्स बनाऊंगी। और यहाँ पे 6-7 पैकेट नूडल्स है टोटल। तो एक्चुअली क्या ना, 7 लोगों के लिए 7 पैकेट है, तो कम नहीं होगा, मुझे लगता है हो जाएगा, क्या बोलते हो? ये वाला नूडल्स मैं पहली बार बना रही हूँ, ये है बालाजी का। और ये नूडल्स का जो मसाला आता है ना, इसके अंदर शुगर है, और शुगर गुजराती लोग पसंद करते हैं। बालाजी जो है ना, गुजरात का ब्रांड होगा शायद, इसी वजह से इसमें शक्कर है। देखो शक्कर का दाना दिखाई दे रहा है, तो पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, शक्कर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ना नूडल्स मैंने देखा, मीठा मीठा लग रहा है, गुजराती लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, बट बंगाली लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा, बिकॉज मीठा होगा है। अच्छे से उकर के रख दिया था, इसको क्या बोलते हैं, तोड़ के ऑयल में फ्राई करके रख दिया था, जस्ट नमक के साथ। अभी डाल दूंगी इसके अंदर। टेंटेना बना दिया बांग्लादेशी यम्मी वाला नूडल्स। और हमारे घर पे तो कोई भी नूडल्स खाने वाला नहीं है, बिकॉज इसमें डाला मैंने एग, और एग तो कोई नहीं खाते। टोटल मैंने 7 पैकेट बनाया, मुझे ऐसा था जो ज़्यादा करके बना देती हूँ उनके लिए लेके जाऊँगी, बाद में मैं भी खा लूँगी। तो पहले मुझे ऐसा लगा चलो बॉक्स में डाल देता हूँ, बॉक्स में डालने के बाद जितना बच जाएगा उतना मैं खा लूँगी। फिर देखा 2 बॉक्स में तो आ गया, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए। मैं बोला चलो कोई नहीं, मैं रोटी खा लूँगी। पहले मैं रिवर फ्रंट उनको दे के आती हूँ, हमारे घर से बहुत दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर है। और आज लास्ट डे है एग्जीबिशन का, तो स्पून भी रख दिया, साथ में प्लेट भी रख दिया। ये है खेजूर, खेजूर का स्वीट गुजराती, उस दिन भैया को बहुत पसंद आया था, परवेज भैया को, इसीलिए ले रहा हूँ। ड्राई फ्रूट भी अंदर, और साथ में खेजूर भी है। 6 लोगों के लिए 6 ले लो बस, हाँ एक एक करके दे देना सबको, आ जाएगा इसमें, छोटा नहीं पड़ेगा। प्लेट भी ले लिया आप, छोटा छोटा, और उस दिन का बॉक्स अभी भी उधर ही पड़ा है, बाद में ले लेंगे। और आज के ना लास्ट डे है, तो मैं अंदर जा रही हूँ, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है भाई। काल देखो, काल बारिश आया था, क्या हाल हुआ रास्ता का देखो, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी पूरा पानी पानी सा हो गया। आज क्या ना लास्ट डे है, और अभी क्या ना ऑलरेडी 10 बज गए ना, अधिक पानी पानी। काल आज यहाँ पे आया था कुछ सामान लेने के लिए, बट गाड़ी पार्किंग करने का जाएगा नहीं था, अभी मैं आ गई। चलो अंदर जाते आगे खान, देखिए की क्या आ। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट देख रहा हूँ, देखो कितना वैरायटी का ड्राई फ्रूट है, लास्ट टाइम भी देखा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। देखो कीवी, खाना मत, कुछ खाना मत। ये कौन सा फ्रूट है अद्रिक? आज लास्ट डे है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो मैंगो है अद्रिक, देखो मैंगो मैंगो। एक ये स्ट्रॉबेरी है ना, इसके उसमें स्ट्रॉबेरी है ना, ये ऐसा स्ट्रॉबेरी कैसा होता है? हाँ
स्ट्रॉबेरी ऐसे कैसे होता है? माय गॉड, मैंने जो स्ट्रॉबेरी खाया था ना एकदम जेली के जैसे, और अंदर दाना भी था। 250 रुपये के नीचे कोई भी ड्राई फ्रूट आपको नहीं देगा। टेस्ट करने के लिए वो लोग देते हैं, खुद से देता है। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है ड्राई फ्रूट का। इंटरनेशनल जो एग्जीबिशन होता है ना, उधर से ड्राई फ्रूट लेना ही नहीं चाहिए। और ये जो शॉप है ना, लास्ट ईयर मैं यहाँ से एक ड्रेस मटेरियल लेके गई थी और इस बार भी मुझे अच्छा लगा। और अहमदाबाद में मुझे ड्रेस अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे अच्छा मिलता भी नहीं है। जो मिलता है बहुत महंगा होता है और ऐसा पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लगता है, अहमदाबाद का जो पैटर्न होता है। तो यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है, प्राइस भी रिजनेबल है। 3500 रुपये का ड्रेस जस्ट 1000, लास्ट टाइम मैंने लिया था ये वाला दुकान से। और ये दुकान जो ना दिल्ली से आया है, 3500 का ड्रेस 1000 में, मुझे ब्लैक कलर का अच्छा लगा। लास्ट ईयर भी मैंने ब्लैक कलर लेके गई थी, तो इसीलिए मैंने इस बार मैं बोला चलो इस बार लूंगी नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम का ड्रेस अभी तक मेरे पास पड़ा है। मुझे दिया ना ये वाला साड़ी जैसा ही, बिल्कुल सेम देखो ऐसा ही है। मुझे तो साड़ी गिफ्ट में दिया ना, ऐसा ही है। और भी झूल रहा है देखो, ऐसा साड़ी सेम मुझे ये वाला साड़ी दिया है, सेम ये वाला भैया ने। आज है लास्ट डे एग्जीबिशन का, सब लोग पैकिंग कर रहा था। का में भी 12 बज गए, हम लोग घर जाते जाते 2 बज गए थे। और जामदानी साड़ी फोल्ड कर रहा था, मुझे जामदानी साड़ी बहुत अच्छा लगता है, बांग्लादेशी ट्रेडिशनल साड़ी है। और मैं जामदानी साड़ी का अलग से एक वीडियो बनाया, बहुत सारा जामदानी साड़ी देखा है, खोल खोल के देखना। और जामदानी साड़ी जो है ना बांग्लादेश का ट्रेडिशनल साड़ी होता है, बंगाली लोग है ना जामदानी साड़ी बहुत पसंद करते हैं। और मुझे ना साड़ी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ जो लोगों को पसंद है उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। आज क्या ना लास्ट डे ना, सब देखो अभी पैकेटिंग कर रहा है और भैया लोग खाना खा रहे हैं। मैं बोला जल्दी से खाना खा लूँ। एक कैसा लगता है? अच्छा है। एक गुजरात का नया कंपनी का नूडल्स बनाया मैंने, थोड़ा मीठा मीठा लगता है ना, वो मसाला के अंदर शुगर था इसी वजह से, वो लोग मीठ मसाला में शुगर डाला था, मैंने बाद में नोटिस किया। काम कर रहा है आदरिक, सब पैकेटिंग स्टार्ट हो गए फिलहाल तो। सब लोग पैकेटिंग स्टार्ट कर दिया और उनके भी अभी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, बस अभी ये इसमें डाल देगा थैली के अंदर। टाटा सी यू नेक्स्ट टाइम भैया, टाटा सी यू नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। सबका पैकेटिंग अभी चल रहा है, हमारा तो मतलब भैया लोगों को ऑलरेडी डन हो गया है जामदनी साड़ी का। इनके देखो इनका क्या हाल होगा, इनका आदरी इतना बड़ा बड़ा कैसे लेके जाएगा पैकेटिंग करने में, कितना हार्ड होता है ये सब ना बताओ। ओह माय गॉड, सबसे एक्सपेंसिव वाला चीज़ ये है। ये जो एग्जीबिशन है ना 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, आज है 20 अक्टूबर, मतलब 17 दिन कंटिन्यू था, तो आज लास्ट डे है। तो पैकेटिंग सब अंदर चल रहा है, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है उनको छोड़ के जाने में। तो ऑलरेडी मैं 3-4 घंटा अंदर बैठ के आई, तो अभी जा रहा हूँ घर पे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ऐसा लगा किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, ये लोग वो लोग अभी कोलकाता में जाने वाला है, ठीक है ना। तो टाटा सी यू एंड बाय, गुड नाइट।